किन रहन जी आवाज से हमरा पहचान ना रहना तो हमरा मुंह मत देखिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बजाइए मस्त रहिए मजाज में रहिए और कोई टेंशन होगा तो हमको फोन फान मत कीजिए क्या खूब कहा है मेरे दोस्त जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है इंसान को हमेशा मस्ती खोर रहना चाहिए सीरियस लोग तो एम्स में भी भर्ती है और वैसे दोस्त कहने वालों ने बड़े खूबसूरती के साथ कहा कि गुजरी हुई जिंदगी कभी याद ना कर और इस तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर गुजरी हुई जिंदगी कभी याद ना कर इस तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर जो तेरा है वो तेरा होकर रहेगा तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और इस कार्यक्रम के आगाज में अच्छा एक चीज तो मैं देख रहा हूँ इधर वाले धीरे धीरे सट रहे हैं इधर वाले घट रहे हैं और इधर वाला जल जल के फट रहे हैं जोरदार ताली होना चाहिए दोस्त हंसी मजाक हर जगह है मजाक करने के लहजे में मैं मूड में नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ हंसी मजाक हर जगह है सर बात में है चेहरे में है भाव में है किसी किसी का चेहरा होता है हैरानी टाइप का मने हर जगह हंसी है मैं आपको बता रहा हूँ गली मोहल्ले चौक चौराहों पर जब चार पांच कुत्ते लड़ते हैं ना तो वो इंसानी भाषा में बातचीत करते हैं जैसे हम इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं वैसे कुत्ते भी बातचीत करते हैं और उनका अंदाज कुछ इस कदर तब तक दूसरा गलती से अगर किसी ने एक डंडा मार दिया तो तीसरे की हालत खराब चौथा तो एकदम धूम दबाकर बेकार पांचवा का हालत खराब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए क्या खूब कहा है कि जिंदगी तो जख्मों से भरी पड़ी है इस वक्त को मरहम बनाना सीख लो अरे हारना तो है मौत के आगे फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लो मताल जाके पंडित जी के साइकिले पर गिर गया और पूरा भड़क गया पंडित जी के ऊपर पंडित जी घप से साइकिल रोक दिया बोला बाबू क्या दिक्कत क्या परेशानी नहीं आप पंडित जी बोला हाँ मैं पंडित जी हूँ नहीं आप पंडित जी नहीं अगर आप पंडित आज मेरे एक सवाल का सही सही जवाब बताइए अब पंडित जी काफी असमंजस में इतना नशा में व्यक्ति मैं इनसे क्या बातचीत करूँ क्या पूछू उन्होंने पूछ लिया बाबू तुम्हारी दिक्कत परेशानी क्या है सर अभी बोले पंडित जी मुझे ये बताइए इस धरती पर कौन है बड़ा कौन है बड़ा बोले तो अब पंडित जी काफी असमंजस में बोला इतना नशा में व्यक्ति में से क्या बातचीत करूं क्या बताऊं बोला बाबू इस धरती पर मंदिर है बड़ा अब शराबी और भड़क गया मंदिर बड़ा है तो फिर धरती पर कैसे खड़ा है बोले धरती बड़ा है धरती बड़ा है धरती बड़ा है तो फिर शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ा है बोले शेषनाग बड़ा है शेषनाग बड़ा है शेषनाग बड़ा है तो फिर शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा है बोले शंकर भगवान बड़ा है शंकर भगवान बड़ा है शंकर भगवान बड़ा है तो कैलाश पर्वत पर जाकर क्यों पड़ा है बोले कैलाश पर्वत बड़ा है कैलाश पर्वत बड़ा है कैलाश पर्वत बड़ा है तो फिर हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा है बोले हनुमान जी बड़ा है हनुमान जी बड़ा है हनुमान जी बड़ा है तो फिर श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा है बोले श्री राम जी बड़ा है श्री राम जी बड़ा है श्री राम जी बड़ा है तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़ा है अब पंडित जी पूरा टेंशन होने लगा पंडित जी काफी टेंशन में आ गया बोला क्या बातचीत करूं दोनों हाथ जोड़ लिया बोला बाबू तुम ही बताओ इस धरती पर कौन बड़ा है शराबी बोला पंडित जी जो एक बोतल पी के खड़ा वही सबसे बड़ा है बोला यार क्या काम करते हो क्या गुनाह करते हो ये कतई पाप के भागीदारी में हो ऐसा करना बिल्कुल पाप के समान पाप कर रहे हो तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब और जवाब भी देना है शराबी और बिगड़ गया पंडित जिनमें
में बसे जानकी, रम में बसे राम। क्या? जिनमें बसे जानकी, रम में बसे राम, विस्की में बसे विष्णु, देसी में हनुमान। किस किस बोतल का त्याग करूं पंडित जी, सब बोतल में है भगवान। बोले यार क्या काम करते हो, क्या गुनाह कर रहे हो, ये तो कतई तुम पाप के भागीदारी में हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब और जवाब भी देना है। शराबी और बिगड़ गया। पंडित जी रख लो दो चार बोतलें कफन में, कब्र में बैठकर पिया करेंगे, और ऊपर वाला मांगेगा गुनाहों का हिसाब तो तीन पैग बना के दिया करेंगे। लेकिन हकीकत है मेरे दोस्त, नशा इंसान के जीवन को नाशा। इसलिए तो कहने वालों ने भी कहा है कि ऐसा पीने का क्या फायदा जो सुबह पियो शाम उतर जाए और शाम पियो सुबह उतर जाए। अरे पीना है तो मोहब्बत का दो घूंट पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए।